नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। 13 जनवरी से शक्ति, ऊर्जा, स्फूर्ति, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हमारे रक्त प्रवाह, हमारे भूमि एवं भवन के कारक मंगल 2.5 महीने तक वक्री रहने के बाद मार्गी होने जा रहे हैं। ये जब मार्गी होंगे तो वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में मार्गी होंगे, लगभग 14 डिग्री पर। और अगले 2 महीने तक, यानी कि इस साल का एक बड़ा भाग, मंगल वृषभ राशि में ही रहेंगे। फ्रेंड्स, मंगल यदि सेफ्टी और सिक्योरिटी के परिचायक हैं तो मंगल कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव ईगो भी है, गुस्सा, क्रूरता, ब्रूट फोर्स, इसको कहते हैं ना पशुवत शक्ति, इन सभी चीजों को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल रक्तपात है, युद्ध है, तो दूसरी तरफ मंगल किसी कॉज के लिए लड़ने की शक्ति भी है, किसी गरीब को, किसी कमजोर को मदद करने की शक्ति भी है। हमारी सेक्सुअलिटी है, हमारा पुरुषत्व, हमारा ड्राइव, हमारा पैशन, जब इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट 2 वर्ष में एक बार वक्री होता है और उस वक्रत्व के बाद अब जब मार्गी होगा तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर तो पड़ेगा ही, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हर राशि एवं हर लग्न वालों पर इस मार्गी मार्स का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग मेष राशि यानी कि एरीज की बात करते हैं। यदि आप में से किसी का भी मेष राशि या मेष लग्न है तो मंगल आपके पहले एवं 8वें भाव के स्वामी हैं और अभी आपके दूसरे भाव में वक्री से मार्गी हो रहे हैं। यहां बैठकर मंगल आपके 5वें भाव, 8वें भाव एवं 9वें भाव पर दृष्टि करेंगे। फ्रेंड्स, लग्न के लॉर्ड का सेकंड में काफी दिनों के बाद वक्री रहने के बाद मार्गी होना, यह आपके लिए शुभ समाचार है, अच्छा समाचार है। आपके स्वास्थ्य के लिए यह बहुत अच्छा है, आपके वित्तीय मामलों के लिए, आपके फाइनेंशियल मामलों के लिए ये बहुत अच्छा है। संबंधियों के साथ संबंधों को ये डिफाइन करने वाला ट्रांजिट है। आपके घर परिवार में सुख शांति का आप अनुभव इस समय में करेंगे। भाइयों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। अचल संपत्ति, विरासत, ऐसी परेशानियों को आप अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं अपने कम्युनिकेशन की वजह से, अपने वाक्पटुता की वजह से, अपनी ओज के वजह से सुलझाने में सफल होंगे। मंगल दूसरे में है इसलिए भोजन संबंधित सावधानियां रखनी होंगी, क्योंकि दूसरी तरफ गुरु अभी उत्तराभाद्र पद में है और मंगल दूसरे में रहेंगे जहां से इनकी दृष्टि आपके 8th पर भी होगी, इसलिए भोजन दायरे में रहकर ही करें। बहुत ज्यादा रिच भोजन ना करें, वजन संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं। 8th पर मंगल की दृष्टि है इसलिए स्वास्थ्य में दिक्कतें भी आ सकती हैं, तो आप लोगों को अपने जीवन शैली में बदलाव लाना आवश्यक है। मंगल की दृष्टि यहां से फ्रेंड्स आपके 5th पर और 9th पर दोनों पर है, तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समाचार है। आप किसी भी तरीके से शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पठन पाठन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। शेयर मार्केट वगैरह में भी लाभ के लिए ये ट्रांजिट ठीक है, मंगल का 5th पर दृष्टि सेकंड में बैठकर। परंतु मेरी सलाह ये होगी कि 17 जनवरी के बाद
जब शनि एवं मंगल का 10 और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, उस समय में कार्य आप धीरे धीरे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेंगे। लंबी छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो गिर भी सकते हैं। जो लोग भी रियल एस्टेट के सेक्टर में है, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में है, एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का व्यवसाय करते हैं, जो लोग भी कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा समय होगा। किसी भी तरीके के आप यदि इन्फ्लुएंसर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मीडिया से संबंध है आपका, स्पोर्ट्स के साथ किसी न किसी तरीके से आपका संबंध है, तो आप सभी लोग अच्छा करेंगे। लग्न या राशि के स्वामी का धन भाव में आना और काफी दिनों के बाद मार्गी होना आप सभी मेष राशि एवं मेष लग्न वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एवं शुभ समाचार है। जिन लोगों का भी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है, उन लोगों के लिए मंगल आपके पहले हाउस में वक्री से मार्गी हो रहे हैं। मंगल आप सभी लोगों के लिए आपके 12th और 7th के लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 4th, 7th एवं 8th भाव पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मंगल आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है, लेकिन फिर भी एनर्जी के कारक जब पिछले 2.5 महीनों से आपके लग्न में ही वक्री चल रहे थे, तो कुछ ऊर्जा की कमी का अनुभव आप सभी लोगों ने किया होगा। कुछ लोग थोड़े चिड़चिड़े हो गए होंगे, कुछ लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होंगे क्योंकि काम अपने गति के अनुसार नहीं चल रहा होगा। लेकिन अब लग्न में मंगल जब मार्गी होंगे, तो ये मंगल आपको एक सकारात्मक गति प्रदान करने का काम करेंगे। आपकी इच्छा शक्ति अपने चरम पर होगी और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। ये मंगल आपके लिए नए अवसर पैदा करेंगे। बिजनेस एवं 12th हाउस के लॉर्ड का लग्न में आना विदेशों के साथ संबंध जरूर जोड़ेंगे। जो लोग भी एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट के बिजनेस में हैं या जो लोग भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में काम करते हैं, वो सभी लोग इस समय में अच्छा करेंगे। यदि किन्हीं की राशि है वृषभ, तो उनके चंद्रमा के ऊपर से अभी मंगल का प्रवास हो रहा होगा। ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ सकता है। जिनका लग्न भी है वृषभ, उनको भी गुस्सा, आवेग और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आप लोगों को चाहिए कि बहुत ही काम और कंपोज्ड रहे। जो लोग भी प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, अपने घर का रिनोवेशन करना चाह रहे हैं, घर शिफ्ट करके किसी नए स्थान पर जाना चाह रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए अब ये समय उपयुक्त आया है। इस समय में आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी माँ के स्वास्थ्य एवं स्पाउस, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता इस समय में आपको रह सकती है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ थोड़ा तनाव का माहौल बन सकता है। शनि एवं मंगल 17 जनवरी के बाद एक 10-4 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसका अर्थ ये होता है कि मेहनत आपको करना पड़ेगा और रिजल्ट्स जो मिलेगा वो ग्रेजुअल, धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स मिलेगा। जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई भी ऐसे क्षेत्र में जिसमें प्रतिस्पर्धा हो, जिसमें कंपटीशन हो, उसमें यदि आप हैं तो आप अच्छा करेंगे। कुछ लोग अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी वगैरह इस समय में खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने विवाह में आ रही समस्याओं पर इस समय में ध्यान देना होगा और सकारात्मक तरीके से संवाद के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए उनको सुलझाने का प्रयास करना होगा। नहीं तो ऐसे संबंधों में यदि आवेग दिखाएंगे तो संबंध और बद से बदतर हो सकते हैं। किसी भी चीज में ये लड़ने का समय बिल्कुल नहीं है, सकारात्मक रहने का समय है।
क्रोध एवं समय, गुस्सा एवं टाइम, दोनों के प्रबंधन, दोनों के मैनेजमेंट का ये समय है, ये बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा तो ये मंगल एक सकारात्मक गति आपको देने में सक्षम है, इसका लाभ आप सभी लोगों को उठाना चाहिए। जेमिनी यानी कि मिथुन, मिथुन राशि या लग्न वालों के लिए मंगल आपके 11th और 6th लॉर्ड है और अभी आपके 12th हाउस में वक्री से मार्गी हो रहे हैं और वहां से बैठकर आपके 3rd, 6th एवं 7th पर इनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आपके दो उपचय भाव यानी कि 6th और 11th के स्वामी है और अभी आपके व्यय भाव में यानी कि 12th में मार्गी हो रहे हैं। 12th का मंगल चिंता और तनाव बढ़ाने वाले होते हैं, परंतु अभी स्थिति दूसरी है, मंगल अभी वक्री से मार्गी हो रहे हैं, इसलिए चिंता एवं तनाव आपके जो पहले से रहे होंगे उनके समाधान का समय है, लेकिन हाँ इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। 12वें में वक्री मंगल नकारात्मक थे, परंतु अब आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चेंज ऑफ प्लेस, यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन चाहते हैं तो उसमें ये मंगल सहायक होंगे। 12वें में मार्गी मंगल अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने में भी मददगार साबित होंगे, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का निराकरण भी आपको मिलेगा। 9th में शनि है और 9th हाउस एडवाइस का हाउस भी होता है, इसीलिए सही चिकित्सक, सही परामर्श, ये सभी चीजें आपके सामने आएंगी और इसके कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सकारात्मकता आएगी। लेकिन 12वां भाव एकांतवास का भी है, इस समय में आप थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं, इसलिए मेरी सलाह होगी लोगों से मिलते जुलते रहिए, खुश रहने का प्रयास कीजिए। मंगल न तो आपके मित्र हैं और न ही बहुत अच्छे भाव में हैं, इसलिए आपको रिलैक्स करना सीखना होगा। 12th हाउस में मार्स हैं, यदि आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो 12th के मंगल आपको नींद की समस्याएं भी दे सकते हैं। 6th के लॉर्ड 12th में है तो लोन लेने का प्रयास इस समय में नहीं करना चाहिए, बल्कि पुराने ऋण यदि आपके ऊपर हैं तो उनको चुकाने का प्रयास करना चाहिए और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। झगड़ा, वाद विवाद, इनको शांति प्रिय तरीके से हल करने का प्रयास करना चाहिए। बिजनेस में आवेश में आकर निर्णय बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इस समय में। स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि थोड़े में कहूं तो ये समय आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बढ़िया समय है। जब मंगल आपके लग्न में आएंगे तो अभी का किया हुआ प्लानिंग आपको आगे जाकर अच्छे रिजल्ट्स देंगे, इसलिए आगे की ओर दृष्टि रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा साबित नहीं होगा। कैंसर यानी कि कर्क, यदि आपका कर्क राशि या कर्क लग्न है तो मंगल आपके 5वें एवं 10वें के लॉर्ड है और इस ट्रांजिट में आपके 11th हाउस में मार्गी होकर आपके 2nd, 5th और 6th पर मंगल दृष्टि डालेंगे। फ्रेंड्स, कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि एक केंद्र के स्वामी है और एक त्रिकोण के भी स्वामी है, तो आपके योग कारक प्लैनेट लाभ भाव में आ रहे हैं 11th हाउस में, हाउस ऑफ गेन्स में, इच्छा पूर्ति के भाव में। मंगल के लिए वैसे भी 11वां भाव बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म भाव के स्वामी जब लाभ भाव में आएंगे तो आपके कार्य क्षेत्र को ये 4 चांद लगाने वाले होंगे, इसीलिए आपको जो भी काम आप करते हैं, आप बिजनेस में हैं या यदि आप एक प्रोफेशनल हैं या किसी जॉब में हैं
एक फ्रीलांसर हैं, चाहे तो आप जो भी करते हो, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। नए अवसर की प्राप्ति होगी, कुछ लोगों को इस समय में प्रमोशन मिल सकता है, कुछ लोगों को इंक्रीमेंट मिल सकता है। 11th में मार्स है, इसलिए आपको मित्रों का, अपने नेटवर्क सर्कल्स का पूरा सहयोग मिलेगा। अच्छे एवं प्रभावशाली लोगों के साथ आपका परिचय होगा, जिसके वजह से आपके काम बनेंगे। कुल मिलाकर यह समय बहुत ही श्रेयस्कर रहेगा। 5वें के स्वामी का 11वें में बैठकर आपके सेकंड हाउस पर दृष्टि, आपकी आमदनी, आपका बैंक बैलेंस, आपके इन्वेस्टमेंट्स, इन सभी चीजों में वृद्धि करवाने वाला होगा। आपकी वाणी इस समय में बहुत ही प्रखर होगी और लोगों को आप अपनी वाणी के वजह से आकर्षित करेंगे। 5वें हाउस पर मंगल की दृष्टि है। जो लोग भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा समय है। शिक्षा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट से इस समय में लाभ हो सकता है, लेकिन शनि की दृष्टि भी है, डिसिप्लिन से काम कीजिएगा। 5th हाउस पर दृष्टि है मंगल की, इसलिए आपके क्रिएटिविटी में काफी बढ़ोतरी होगी। बहुत ही अच्छे आइडियाज, बहुत ही अच्छे विचार आएंगे और उन पर भी आप काम भी करेंगे और उनमें आपको सफलता भी मिलेगी। यदि आपके बच्चे हैं तो इस समय में आपके बच्चे भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। मंगल की दृष्टि आपके 6th हाउस पर भी है। 11th में बैठकर मंगल जब 8th दृष्टि से आपके 6th को देखेंगे, तो पुराना किसी भी तरीके का झगड़ा, कोई भी विवाद, इनको मंगल सुलझाने का काम करेंगे। पुराना यदि कोई भी स्वास्थ्य की समस्या आपकी चली आ रही है, उसका भी निदान इस समय में आपको मिलेगा। पुराने लोन्स को आप चुका पाएंगे। अपने कंपटीशन पर, अपने प्रतिस्पर्धियों पर इस समय में आप विजय प्राप्त करेंगे। इन सभी चीजों में आपको एक अपर हैंड मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपका यदि कर्क राशि या कर्क लगन है, तो मंगल का आपके 11th हाउस में मार्गी होना आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिट साबित होने जा रहा है। इसका आप लोगों को पूरा लाभ उठाना चाहिए। सिंह राशि या लियो, फ्रेंड्स, आपका यदि सिंह राशि या सिंह लगन है, तो मंगल आपके लिए 4th और 9th लॉर्ड है और इस गोचर में आपके 10th हाउस में आपके कर्म भाव में मंगल मार्गी हो रहे हैं और वहां बैठकर आपके लग्न, आपके चतुर्थ भाव एवं पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, यदि आपका सिंह राशि या लग्न है, तो मंगल आप लोगों के लिए भी एक योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि एक केंद्र एवं एक त्रिकोण के स्वामी है। अब इतने महत्वपूर्ण ग्रह आपके 10th हाउस में, और 10th हाउस वैसे भी मंगल के लिए एक बहुत ही प्रिय भाव है। क्यों? क्योंकि यहां मंगल को दिग्बल प्राप्त है, मंगल आकर यहां बलि हो जाते हैं। अब आप इसको जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। आपका सुख, माता, रियल एस्टेट, वाहन, घरेलू मामले, उच्च शिक्षा, धर्म, लंबी यात्राएं, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करने वाले भाव के स्वामी मंगल जब आपके कैरियर के हाउस में मार्गी होंगे, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि इन सभी चीजों में, जिन भी चीजों की मैंने बात की, उन सभी चीजों में बढ़ोतरी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके कैरियर में, आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। ध्यान सिर्फ यही रखना पड़ेगा कि वर्क प्लेस पर अपने टेंपर, अपने ईगो, अपने एटीट्यूड का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने बॉसेस, अपने सुपीरियर्स के साथ किसी भी तरीके का वाद विवाद या हीटेड आर्ग्यूमेंट में इस समय में नहीं पड़ना। आपके योग कारक प्लैनेट की दृष्टि जब आपके प्रथम भाव पर होगी, तो इससे आपका हेल्थ काफी अच्छा रहेगा। आप ऊर्जावान बने रहेंगे, एनर्जी लेवल्स आपके बहुत अच्छे होंगे, काफी उमंगी रहेंगे, काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपके स्टेटस में भी इस समय में बढ़ोतरी होगी,
लोगों का इस समय में आपको अच्छा सहकार मिलेगा। मंगल की दृष्टि जब 10th में बैठकर आपके 4th हाउस पर पड़ेगा तो ये जितने भी लोग रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं या फिर जो लोग भी घर वगैरह खरीदना चाह रहे थे, घर का रिनोवेशन करना चाह रहे थे, घर शिफ्ट करना चाह रहे थे, जो लोग भी कोई ट्रांसफर अपने जॉब वगैरह में एक्सपेक्ट कर रहे थे, इन सभी चीजों के लिए अभी का जो ये समय है बहुत ही अच्छा समय है। 5th हाउस पर भी मंगल की दृष्टि होगी, स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप जो भी पढ़ेंगे आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपका लॉजिक, इन सभी चीजों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने बच्चों के साथ इस समय में कोई वाद विवाद में मत पड़िएगा, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहना सीखिएगा। 5th हाउस पर मंगल की दृष्टि है तो कुछ लोगों के लिए आध्यात्म में भी इस समय में इंटरेस्ट जागेगा। सिंह राशि वालों को ध्यान सिर्फ एक ही चीज का रखना है कि ये जो सफलता मिलेगी मंगल के 10th हाउस में मार्गी होने से, उसको अपने सिर पर ना चढ़ने दें, जमीन से जुड़े रहें, प्रैक्टिकल बने रहें। लग्न एवं 9th पर शनि की भी दृष्टि रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा। 10th में मंगल है, अपने बड़ों का, शिक्षकों का, गुरुओं का सुनना सीखिए इस समय और अपने टेंपर पर काबू रखें। इन चीजों का यदि ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रांजिट है, इससे अच्छा ट्रांजिट और हो नहीं सकता। कन्या यानी कि वर्गो, कन्या राशि या लग्न वालों के लिए मंगल 3rd एवं 8th लॉर्ड है और इस ट्रांजिट में आपके 9th हाउस में मार्गी होकर आपके 12वें, 3रे एवं 4थे भाव पर इनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, यदि आपका कन्या राशि या कन्या लग्न है तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, 3रे और 8वें के लॉर्ड है, अकारक ग्रह। आप 3रे को भी देखिएगा तो भावेत भावम के सिद्धांत के अनुसार 3रा हाउस 8वें से 8वां होता है, तो 8th हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड जब 9th में है तो आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही कार्मिक ट्रांजिट है आप लोगों के लिए। और चूंकि 8th का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए इस पूरे कालखंड में एक सडननेस वाला एलिमेंट होगा। ये मंगल आपको सडन यात्राएं दे सकता है, सडन लाभ भी दिलवा सकता है, पिता के तबीयत में एक बैग गिरावट आ सकती है, आपके स्वास्थ्य संबंधित चीज भी एकदम से बाहर निकल कर आ सकता है। कई लोगों का लगाव इस समय में आध्यात्म की ओर बढ़ सकता है, गूढ़ विद्याओं की ओर आकर्षण आप में से कुछ लोगों का बढ़ सकता है। मंगल चूंकि पृथ्वी तत्व की राशि में है और पृथ्वी तत्व की राशियां कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए अच्छे भाव होते हैं, यानी कि 1, 5 और 9 वाले भाव होते हैं, इसलिए ये मंगल यहाँ आप लोगों को ज्यादा बुरे रिजल्ट्स नहीं देंगे। आप यदि फोकस्ड रहते हैं और मंगल के ऊर्जा का आप सकारात्मक प्रयोग करना जानते हैं तो ये मंगल आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। सकारात्मक प्रयोग का मतलब, इसका मतलब हुआ कि गुस्सा, जल्दीबाजी, आवेग, चिड़चिड़ापन, इन चीजों का शिकार नहीं होना, शांति के साथ काम करना है। और इस तरीके से आप काम करेंगे तो इस गोचर का लाभ आप उठा सकते हैं। ये समय आप आगे के भविष्य की योजनाओं पर दृष्टि रखने में बिताइए, क्योंकि मंगल 9th, 10th और 11th इन तीनों ही भावों से मंगल का प्रवास आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। अब यहां देखिएगा तो 9th में मार्स है तो कुछ लोगों के लिए उच्च शिक्षा के लिए लंबी यात्राएं दे सकते हैं। वैसे भी आप देखिएगा तो 9वें में बैठकर 12वें को देख रहे हैं और 3रे को देख रहे हैं मंगल, तो यात्रा के योग तो बनाएंगे ही, लेकिन यात्राओं में एक सावधानी रखनी होगी। कुछ यात्राएं इसमें अपने कैरियर के लिए या अपने बिजनेस वगैरह के लिए भी हो सकता है। 4th पर 8th लॉर्ड की दृष्टि है इसलिए थोड़ी बेचैनी, व्याकुलता,
अनिर्णय की स्थिति, अस्पष्टता का अनुभव करवा सकता है। माँ के स्वास्थ्य का भी इस समय में ध्यान रखना चाहिए। चूंकि 12th पर भी दृष्टि है मंगल की, इसलिए खर्चों से सावधानी रखनी चाहिए और स्पिरिचुअल रहना चाहिए, आध्यात्मिक रहना चाहिए, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास करना चाहिए। इन चीजों को यदि करेंगे तो ये ट्रांजिट ज्यादा बुरा रिजल्ट्स नहीं देगा, बल्कि आप इसके सकारात्मक रिजल्ट्स भी ले सकते हैं। तुला यानी कि लिब्रा, तुला राशि या लग्न वालों के लिए मंगल सेकंड एवं सेवेंथ लॉर्ड है और इस ट्रांजिट में आपके 8th हाउस में मार्गी होकर आपके 11th, सेकंड और थर्ड हाउस पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, सेकंड एवं सेवेंथ के लॉर्ड 8th में है तो जीवन साथी, पार्टनर्स, बिजनेस आदि क्षेत्रों में उस समय में एक दबाव बन रहा होगा जब मंगल वक्री थे, चीजें आगे नहीं बढ़ रही होंगी। लेकिन अब जब मंगल मार्गी हो जाएंगे तो इन सभी चीजों में एक पॉजिटिव बदलाव आएगा। वित्तीय मामलों में भी, फाइनेंशियल मैटर्स में भी अब आपको मूवमेंट नजर आने लगेगा। हो सकता है इस समय में जब तक मंगल वक्री थे 2.5 महीनों तक आपके 8th हाउस में, इस समय में वित्तीय मामलों की कुछ प्लानिंग आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर भी ली होगी, तो ये सब चीजें अच्छा है। लेकिन एक मारक प्लैनेट 8th में है, गुरु भी देखिएगा तो अभी 6th में है, केतु आपके 1st में है और राहु 7th में है। स्वास्थ्य पर ध्यान तो रखना ही होगा, कमर से नीचे की परेशानियां हो सकती हैं, कुछ लोगों को इस समय में वाहन वगैरह चलाने के समय में छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है, तो इस समय में स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सेकंड हाउस के लॉर्ड यानी कि धन भाव के लॉर्ड 8th में है तो इस समय में किसी भी तरीके का स्पेक्युलेशन, सट्टा, गैम्बलिंग, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिए मंगल और शनि दोनों की दृष्टि दूसरे पर है। वित्तीय मामलों में सावधानी रखनी होगी, यदि डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। सेकंड हाउस पर शनि एवं मंगल दोनों की दृष्टि है, संबंधियों के बीच में झगड़े हो सकते हैं जिसमें आप अननेसेसरी इन्वॉल्व हो सकते हैं या पिस सकते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ही से पैसों को लेकर लोगों का संबंध खराब हो जाए, इस समय में अपनी वाणी पर बहुत संयम आप लोगों को रखना चाहिए। जो लोग भी ऑकल्ट, इंश्योरेंस, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग अच्छा करेंगे। आप सभी लोगों को चाहिए कि इस समय में थोड़ा सा बैलेंस्ड रहा जाए, किसी भी तरीके का व्यसन, ऑपोजिट सेक्स के प्रति अनावश्यक आसक्ति, इन चीजों से बचना चाहिए। थर्ड पर दृष्टि है इसलिए झगड़ा, पड़ोसियों के साथ विवाद, इन सभी चीजों से भी बचना चाहिए। इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो एक एवरेज ठीक ठाक ट्रांजिट आप लोगों के लिए भी साबित होगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, यदि आप लोगों का वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो मंगल आप लोगों के लिए पहले एवं छठे के लॉर्ड है और अभी आपके 7th हाउस में मार्गी होकर आपके 10th, 1st और 2nd हाउस पर इस मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, जितने भी वृश्चिक राशि या लग्न वाले लोग हैं वो पिछले 2.5 महीने से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड, आपकी राशि के लॉर्ड पिछले 2.5 महीने से वक्री थे। आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे चीजें बिल्कुल थम गई हैं, रुक गई हैं,
और कई बार तो ऐसा भी लग रहा होगा कि चीजें आगे जाने के बजाय पीछे जा रही हैं। ऐसे सिचुएशन में अब आप देखिएगा कि सुधार आएगा। आपके लग्न के लॉर्ड जब मार्गी हो जाएंगे फिर से, तो आप देखिएगा आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे इस समय में। स्वास्थ्य में बेहतरी आएगी, कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, आपका डेली रूटीन, इन सभी चीजों में कार्य क्षमता, इंटेलिजेंस, इन सभी चीजों में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता आएगा। सेवेंथ हाउस में मार्स है और यहां वक्री थे, तो कुछ लोगों के लिए विवाह में भी, रिलेशनशिप्स में भी परेशानियां आ रही होंगी। अब आप देखिएगा संबंधों में सुधार आना शुरू होगा। कुछ वृश्चिक राशि या लग्न वालों के लिए विवाह की संभावनाएं भी ऐसा मंगल बनाएंगे। आप लोग यदि पब्लिक लाइफ में हैं, किसी भी ऐसे कार्य में हैं जिससे जनता के साथ जुड़ाव है, तो आप लोग अच्छा करेंगे। बिजनेस में हैं तो बिजनेसमैन भी अच्छा करेंगे। पिछले 2.5 महीनों से चली आ रही जो भी परेशानियां थी, उन सभी परेशानियों का अब अंत होगा। सेवेंथ हाउस में मंगल मार्गी हो रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, नया डील या अग्रीमेंट्स के हिस्सा बनेंगे। कुछ लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इस समय में ले सकते हैं। टेंथ और सेकंड दोनों पर दृष्टि है मंगल की, ये काम के लिए बहुत अच्छा न्यूज है। नए अवसर इस समय में आप लोगों के सामने आएंगे और उन अपॉर्चुनिटीज को आप भुना भी पाएंगे, उनको पकड़ भी पाएंगे। कुछ लोगों के लिए इस समय में प्रमोशन का समय हो सकता है, कुछ लोगों को इस समय में मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है, आमदनी में वृद्धि हो सकती है। थोड़ा सा वाणी पर संयम रखने की कोशिश होनी चाहिए, रिएक्टिव मोड में मत रहिएगा, थोड़ा सा सुनना सीखिएगा। जो लोग भी डिप्लोमेसी के क्षेत्र में है, लेजिस्लेशन के क्षेत्र में है, रियल एस्टेट सेक्टर में है, पावर सेक्टर में है, सेना में काम करते हैं, लॉ से संबंधित फील्ड में काम करते हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते हैं, एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए मार्स का ये ट्रांजिट और मार्गी होना बहुत ही सकारात्मक ट्रांजिट होगा। धनु यानी कि सैजिटेरियस, धनु राशि या लग्न वालों के लिए मंगल आपके फिफ्थ और ट्वेल्थ लॉर्ड है और इस ट्रांजिट में आपके सिक्स हाउस में मार्गी होकर आपके नाइन्थ, ट्वेल्थ और फर्स्ट पर इनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, धनु राशि या लग्न वालों के लिए मंगल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि फिफ्थ हाउस के जैसे एक ऑस्पिशियस हाउस के लॉर्ड है। लेकिन फिर भी पिछले 2.5 महीनों से मंगल जब वक्री थे, तब खर्च, कंपटीशन, लॉसेस, बच्चों से संबंधित चीजें, प्रेम प्रसंग, डेली रूटीन, इन सभी क्षेत्रों में आप लोग दिक्कतों का सामना कर रहे होंगे। ट्वेल्थ यानी कि खर्चे के लॉर्ड आपके सिक्स हाउस यानी कि दुश्मन के हाउस में थे, तो दुश्मनों की वजह से आपके खर्चे बढ़े होंगे, आपके लॉसेस बढ़े होंगे, कुछ लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में परेशानियां आ रही होंगी। फिफ्थ के लॉर्ड सिक्स्थ में थे तो बच्चों के मामले में भी थोड़ी चिंताएं बन रही होंगी, विद्यार्थियों को भी दिक्कतें आ रही होंगी, अनावश्यक यात्राएं हो रही होंगी या यात्राओं में विघ्न आ रहा होगा। लेकिन अब जब मार्स सिक्स हाउस में मार्गी होंगे, सिक्स हाउस में वैसे भी मंगल अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, तो इन सभी चीजों में एक सुधार आएगा। लंबी एवं धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा, क्योंकि ट्वेल्थ के लॉर्ड की दृष्टि नाइन्थ पर भी है और ट्वेल्थ पर भी है। फिफ्थ लॉर्ड का नाइन्थ एवं ट्वेल्थ पर दृष्टि का मतलब बहुत सारे लोगों का धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति, मेडिटेशन वगैरह चीजों में रुचि बढ़ेगी। फिफ्थ लॉर्ड का नाइन्थ पर दृष्टि किसी भी तरीके की शिक्षा में आप यदि हैं, अच्छा है। कुछ लोगों के लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी मार्ग ये मंगल प्रशस्त करेंगे। वैसे भी आप देखिएगा तो आपके लग्न, आपके राशि के स्वामी जुपिटर जो है,
वो अभी एटलीस्ट अप्रैल तक मीन राशि यानी कि काल पुरुष कुंडली के नेचुरल 12th हाउस में, तो विदेश यात्राओं के लिए, विदेशों से अच्छे समाचार की प्राप्ति के लिए ये समय वैसे भी बहुत फेवरेबल है। पेट संबंधित परेशानियां, डाइजेशन संबंधित परेशानियां कुछ लोगों को इस समय में आ सकती हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। 12वें के स्वामी 6th में है, इसीलिए खर्चे वगैरह का ध्यान आपको रखना होगा, नहीं तो अनावश्यक चीजों पर खर्च हो सकता है। क्रेडिट कार्ड वगैरह से अननेसेसरी खर्च ना हो जाए, इंपल्सिव बाइंग वगैरह से इस समय में बचना चाहिए। इन सभी चीजों से बचेंगे तो ये ट्रांजिट आपके लिए एक अच्छा ट्रांजिट है। मकर यानी कि कैप्रिकॉन, मकर राशि या लग्न वालों के लिए मंगल आपके 4th और 11th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में अभी आपके 5th हाउस में बैठकर आपके 8th, 11th और 12th हाउस पर दृष्टि करेंगे। फ्रेंड्स, मकर राशि या लग्न वालों के लिए मंगल मित्र तो नहीं होते, लेकिन आप ही की राशि में आकर मंगल उच्च के हो जाते हैं, तो एक तरीके से मकर राशि मंगल के लिए एक प्रिय स्थान तो है। अब यहां 4th एवं 11th के स्वामी जब 5th में वक्री से मार्गी होंगे तो आपकी संपत्ति, आपकी आमदनी, आपका वैभव, आपका सुख, आपके आनंद में वृद्धि तो ये करवाएंगे। 5th हाउस में मंगल है तो आपके विचारों में, आपके आइडियाज को भी अब एक पंख लग जाएगा। 5th हाउस में बैठे हुए मंगल आपको डायनामिज्म यानी कि गतिशीलता भी देंगे, आपकी क्रिएटिविटी यानी कि आपके रचनात्मकता को भी आगे बढ़ाएंगे, निर्णय लेने की शक्ति, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही प्रखर होगी। 5th और 8th दोनों पर मंगल का प्रभाव है तो इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न भी मिलेगा, लेकिन मेरी सलाह होगी कि 5th और 8th दोनों ही स्पेकुलेशन और रिस्क टेकिंग से संबंधित भाव हैं, इसलिए इस समय में गैम्बलिंग, सट्टा, स्पेकुलेशन इन चीजों से दूर रहिएगा। 5th हाउस में मंगल वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो बच्चों से संबंधित समस्याओं का भी समाधान ये देंगे। जो लोग भी किसी भी प्रकार से कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी लोग अच्छा करेंगे, नए अवसरों की प्राप्ति होगी एवं कार्य क्षेत्र में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक बदलाव भी ये मार्गी मंगल लाएंगे। यदि महादशा अंतरदशा भी फेवरेबल है तब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चूंकि 8th और 12th का भी संबंध बन रहा है और कहीं ना कहीं 11th भी 6th से 6th है, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 11th पर दृष्टि रहेगी मंगल की तो कुछ नए अवसरों की प्राप्ति इस समय में हो सकती है, मित्र मंडली से लाभ हो सकता है, नए मित्रों का आपके जीवन में पदार्पण हो सकता है, आपके आमदनी में वृद्धि हो सकती है, नए आइडियाज पर आप इस समय में काम करेंगे जिसमें आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों का भी कोई हॉबी है, जो लोग भी मंत्र साधना में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है, इसका लाभ उठाना चाहिए। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, कुंभ राशि या लग्न वालों के लिए मंगल 3rd एवं 10th भाव के स्वामी है और इस ट्रांजिट में आपके 4th हाउस में बैठकर आपके 7th, 10th और 11th पर दृष्टि करेंगे। फ्रेंड्स, 4th हाउस हमारे इनर इमोशंस, हमारे भावनाओं का हाउस होता है, हमारे सुख का, हमारी माता का, हमारे घर का, हमारे मदरलैंड का, इनका भाव होता है। पिछले 2.5 महीनों में
जब से मंगल आपके फोर्थ हाउस में वक्री हुए होंगे, उस समय में आप भावनात्मक रूप से काफी रुका हुआ और बोझिल महसूस कर रहे होंगे। मंगल एक गर्म स्वभाव का ग्रह है और फोर्थ हाउस में इसके वक्री होने की वजह से अपने आप पर बहुत दबाव आप स्वयं से डाल रहे होंगे, जिसको कहते हैं ना आत्म आलोचना, सेल्फ क्रिटिकलनेस, आत्म घृणा, सेल्फ लोदिंग, पुराने बातों को लेकर खुद ही अपने आप को दोषी ठहराना, ये सभी चीजें हो रही होंगी। फोर्थ में वक्री मंगल की वजह से कार्य क्षेत्र एवं घरेलू मामले दोनों ही चीजों में कुछ दिक्कतों का अनुभव आप कर रहे होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में सोच रहे होंगे, वो प्लान्स को अब धीरे धीरे फलीभूत होने का समय है और उन समस्याओं के समाधान का समय है। इस समय में आपके पराक्रम में, आपकी हिम्मत में, आपकी बहादुरी में बढ़ोतरी होगी। वर्क प्लेस पर भी आप अच्छा करना शुरू करेंगे और इसके वजह से आपके आमदनी में वृद्धि होगी। स्टूडेंट्स भी अब अच्छा करना शुरू करेंगे। घरेलू एवं पारिवारिक जीवन में अब आप देखिएगा कि चीजें अब ठीक ढंग से आगे चल रही हैं। जीवन साथी, व्यवसाय, बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी अब संबंधों में बेहतरी शुरू हो जाएगी। अब आप लोग यदि घर खरीदना चाह रहे थे या रियल एस्टेट के बिजनेस में थे या सेल्स एंड मीडिया के बिजनेस में हैं, मार्केटिंग में हैं, अब देखिएगा जो भी रुकावटें थी वो अब धीरे धीरे खत्म होंगी और अब आप लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे। जो लोग भी जनता के बीच में रहते हैं उनके लिए भी ये समय अब अच्छा हो जाएगा। कुछ लोगों को इस समय में नेटिव प्लेस, अपने जन्म स्थान पर जाने का समय मिले, उसके प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर कुंभ वालों के लिए भी ये ट्रांजिट एक बढ़िया ट्रांजिट ही है। मीन यानी कि पाइसेस, मीन राशि या लग्न वालों के लिए मंगल सेकंड और नाइन्थ लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में थर्ड हाउस में बैठकर आपके सिक्स, नाइन्थ एवं टेंथ पर दृष्टि करेंगे। फ्रेंड्स, मीन राशि वालों के लिए मंगल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है, भाग्य भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है, और पिछले कुछ समय से इतने इंपॉर्टेंट प्लैनेट का पराक्रम भाव में वक्री होना कहीं ना कहीं आपके प्रयासों को निष्फल कर रहा होगा। आपके प्रयासों का रिजल्ट्स आपको बिल्कुल ना के बराबर मिल रहा होगा। उसमें आप देखिएगा सडनली 13 जनवरी के बाद जैसे ही मंगल मार्गी होंगे एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। धन एवं भाग्य भाव के स्वामी का मार्गी होना आपके लिए एक बहुत बड़ा राहत भरा समाचार है, भाग्य के लिए भी अच्छा है और आमदनी के लिए भी अच्छा है। तीसरे में मंगल आपके मित्र जब मार्गी होंगे तो आपके पराक्रम को, आपकी बहादुरी को ये बढ़ाने वाले होंगे। आप इस समय में नए इनिशिएटिव्स लेंगे, पुराने रुके हुए चीजों को आप अपने बुद्धि से, विवेक से, अपने कौशल से और अपनी एक्टिविटीज से उनको आप सॉल्व करेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। इस समय में आप मेहनत भी करेंगे और इसका फल भी आपको मिलेगा। चूंकि थर्ड और नाइन्थ दोनों का एक एंगल बन रहा है, इसलिए छोटी और लंबी दोनों तरह की यात्राएं इस समय में आपकी हो सकती हैं, और काम के वजह से होंगी ये यात्राएं क्योंकि टेंथ पर भी दृष्टि है मंगल की, और इन यात्राओं के वजह से आपको सफलता भी मिलेगा। सिक्स हाउस पर मंगल की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि होगी, तो 17 जनवरी के बाद कोशिश कीजिएगा किसी भी तरीके के वाद विवाद से बचें। कंपटीशन पर, अपने वर्क प्लेस पर या और भी कहीं भी गुस्सा मत दिखाइएगा, नहीं तो कोर्ट कचहरी वगैरह की समस्याएं खड़ी हो सकती है।
अपने स्वास्थ्य और अपने डेली रूटीन का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी थर्ड में बैठकर मंगल की दृष्टि सिक्स पर भी है और टेंथ पर भी है, तो काम के मामले में नए अपॉर्चुनिटीज इस समय में मिलेंगे और काम में बढ़ोतरी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग भी ट्रैवल से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग भी नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, नए इनिशिएटिव्स पर काम कर रहे हैं, नए प्लान्स पर काम करना चाह रहे हैं, मीन राशि या मीन लग्न वाले लोग, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जिन लोगों की स्पॉन्सरशिप या फंडिंग से संबंधित चीजें रुकी हुई थी, उन लोगों का भी अब काम बनना शुरू हो जाएगा। मीडिया वालों के लिए, जो लोग भी राइटर्स हैं, लेखक के लिए, किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए, इन सभी लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। तो आपका यदि मीन राशि या मीन लगन है तो इस ट्रांजिट का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये था फ्रेंड्स 12 राशि एवं 12 लगन वालों के लिए वृषभ में मार्गी मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बार वीडियो मैंने कुछ वजह से एक अलग तरीके से बनाया है, कुछ यहाँ प्रॉब्लम्स था इसके वजह से बनाया है। यदि आप लोगों को पहले का तरीका ही अच्छा लगता था तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगली बार से मैं उसी तरीके से जैसे पूर्ववत बनाता था वीडियो वैसे ही बनाऊंगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर इस तरीके से भी कुछ वीडियोस हम लोग आगे बनाया करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।